हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार है, वो वादा करता है कि वो अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा, लेकिन वो क्या करता है, वजन मार देता है और 40% लेस वजन का यूज़ करता है। मतलब अगर वजन अगर उसको 100 ग्राम देना चाहिए था तो वो सिर्फ 60 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, मैं अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये मान लूँ तो आप बोलोगे कि वो 100 रुपये में 60 रुपये का सामान बेच रहा है ना। 60 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में, तो कितना लाभ हो रहा है। तो आप बोलो सर वो 40 रुपये कमा रहा है हर 60 ग्राम पे। इसको काट देंगे, परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 66/66%। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में फिर वही बेईमान दुकानदार आ गया। ये फिर वादा करता है कि वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा, लेकिन इस बार क्या यूज़ करता है, वो 800 ग्राम वेट यूज़ करता है 1 kg की जगह। 1 kg की जगह 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम, उसकी जगह वेट यूज़ करता है वो 800 ग्राम का। ठीक है, फिर मैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये मान लूँ तो आप बोलो सर वो 800 रुपये का सामान बेच रहा है 1000 रुपये में। अगर रेशो निकालने की कोशिश करूँ तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब 8 रुपये का सामान बेच रहा है वो 10 रुपये में। कितने का लाभ कमा रहा है, बोलोगा 2 रुपये का लाभ कमा रहा है 8 रुपये पे। कितने का लाभ, 1/4, 1/4 का मतलब 25%। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है वो दुकानदार, अब वो प्रोमिस कर रहा है भैया कि 30% लाभ पे बेचेगा। अभी तो वो है ना CP पे ही बेच रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, 30% लाभ पे बेच रहा है। मतलब 100 रुपये का सामान बेच रहा है वो कितने पे, 130 रुपये पे। और क्या कर रहा है, और 800 ग्राम वेट भी यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह, मतलब कि 1 kg की जगह वो वेट यूज़ कर रहा है कितना, 800 ग्राम। ठीक है, तो दोनों का नेट इफेक्टिव निकाल लेते हैं। ये दो जी ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 8 का सामान वो बेच रहा है 13 रुपये में, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है वो हर 8 रुपये पे। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे काटेंगे अपन, ये आ जाएगा कितना, 12.5। वो 12.5 फाइव जो कितना होता है, 62.5। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर वही बेईमान दुकानदार आ गया। अब की बार ये क्या कर रहा है, अब की बार बेचारा घाटे में जा रहा है कि 40% लॉस हो रहा है उसको। 40% लॉस का मतलब क्या है कि 100 रुपये का सामान वो बेच के तेमरा 60 रुपये में, तभी तो उसको 40% घाटा होगा ना। और क्या कर रहा है, वो 1 kg की जगह यूज़ कर रहा है 960 ग्राम। 1 kg की जगह वो यूज़ कर रहा है 960 ग्राम। ठीक है, ये 2 जीरो से 1 2 जीरो ये कट गए और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। तो भैया वो क्या कर रहा है, 96 का सामान बेच कितने में रहा है, 60 रुपये में। यहाँ उसको घाटा हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है, 36 रुपये का। कितने पे, 96 रुपीस पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको काटेंगे, ये आएगा 12 3 36 और 12 8 96, 3/8 आ गया। ठीक है, 8 से अपन ने भी काटा था, कितना आता है, 12.5। 12.5 3 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 37.5, क्योंकि 25 3 75, 3 1 3। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या किया भैया कि वो है ना मार्कअप कर देता है 15%। 15% मार्कअप का मतलब क्या है, 100 रुपये का सामान वो 115 रुपये में बेच रहा है, यही तो मतलब होता है ना। और यूज़ कर रहा है वो 920 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह। ठीक है, अपन को उसका प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट बताना, तो ये 2 जीरो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट गई। अब वो बेच क्या रहा है, 92 का सामान बेच रहा है 115 रुपये में, कितने का लाभ हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से आ रहा है 23 रुपये का लाभ 92 रुपये पर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये 23 चौके होते हैं 92, 100/4 25%, 25% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।